दोस्तों भी कह के गया ये अडियाला वाले, ओ भाई अडियाला आने वाले ने तो जेल में रह के हमें हुक्म दिया कि जाओ हम दोस्तों के पास जाओ। मैं तारीख बताता चलूं, इमरान खान साहब की वजारत उस्मा के दौर में भी एक धरना हुआ था, याद है, इसी भी चौक पर हुआ था, याद है। और नईमुल हक पर हूं अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे मुजाकरात हुए थे और फिर क्या आपके सारे मुतालबात माने गए थे। तो मैं अपने पीपल्स पार्टी वालों को कहूंगा ये क्या मुनाफिक है, बैठे भी उनके साथ हो हुकूमत में, वोट भी उनको देते हो, आईनी जो अमेंडमेंट करना चाहते हो उनमें उनका साथ दे रहे हो और हर जगह पे अपने बंदों को अकोमोडेट करवा रहे हो, सेनेट में हिस्सा लेते हो और फिर क्या तुम्हें जो ये लोग पागल समझते हैं, क्या तुम पागल हो, क्या ये तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं? यानी कि एक तरफ मैं तो जो जालिम का साथ दे उसको भी जालिम समझता हूं, तुम समझते हो कि नहीं? जो जालिम का साथ दे वो जालिम है कि नहीं? जो जुल्म का साथ दे वो जुल्म है, जालिम का साथी है कि नहीं? जालिम का साथी यहां आके कहेंगे, मैं ये मुतालबा करूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी जो कि रोटी कपड़ा और मकान का बात करती थी, मैं तो सियासी इख्तलाफी बात नहीं करूंगा, मैं हर सियासी पार्टी का एहतराम करता हूं, निकल आओ हुकूमत से बाहर, आ जाओ बाहर आ जाओ, छोड़ दो हुकूमत को, आवाम के साथ खड़े हो जाओ, छोड़ दो इन जालिमों को, छोड़ दो इन बेशर्मों को, छोड़ दो। अरे भुट्टों के मानने वाले हो, हम भी भुट्टों को मानते हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि जिसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, आज उसकी पार्टी तुम्हारे बच्चों के मुंह से निवाला खींचने वालों के साथ खड़ी है। निकलो बाहर, छोड़ दो हुकूमत, छोड़ दो। जो कल भुट्टों को गालियां निकालते थे, जो भुट्टों की बेटी को बुरा भला कहते थे, उनके साथ खड़े हो, छोड़ दो इनको, खड़े हो गरीब आवाम के साथ, खड़े हो इन वर्कर के साथ, मत समझो आवाम को पागल। जब तुम वोट मांगते हो तो ये मोतबर तरीन है, जब हुकूमत में हो तो इन्हें बेवकूफ समझते हो, बेवकूफ तुम हो, तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। जब भी तहरीकें चली हैं, जब भी तब्दीलियां आई हैं, वो वर्कर्स के थ्रू आई है, मजदूर के थ्रू आई है, दुनिया में इंकलाब मजदूर लेके आए हैं, दुनिया का नक्शा मजदूरों ने तब्दील किया है, दुनिया के अंदर इंकलाब का मकसद तुम लोग बड़े हो और अपने बच्चों से बढ़ के और क्या हो सकता है। चुड़िया तो पहले चला दी है, रोटी हमारी पूरी नहीं होती है, रोटी के बाद जो रह सहने वाले वो भी लेना चाहते हो, याद रखना हम आपके साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ देखता है, इनका हुक्म है, मेरे लिए पैगाम है आज के लिए। उन्होंने कहा वकास अकरम अपने साथी भाइयों को लेके जाओ जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और इन दोस्तों को पैगाम दे दो, और पैगाम यह है इमरान खान तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, इमरान खान तुम्हारे साथ है, इमरान खान का एक एक साथी, इमरान खान का एक एक वोटर, इमरान खान का एक एक एमएलए, इमरान खान का एक एक एमपी है, वो सब तुम्हारे साथ है। हम लालच फेंकते हैं उस पर जो तुम्हारे साथ नहीं है, हम लालच फेंकते हैं उस पर जो तुम्हारा दुख महसूस नहीं करता है, और हम लालच फेंकते हैं उस पर जो तुम्हारे हाथ से रोटी खींचता है। बंद करना चाहते हो? नहीं। इन्हें बंद करना चाहते हो या तुम्हें बंद कर देंगे? अगर बंद करना है भाई कल सुनो, अगर बंद करना चाहे तो फिर उनको बंद करो, और जिनको अरबों और करोड़ों रुपए के आईपीपीज लगवाए हैं बिजली वाले, उधर तो तुम्हारी अपनी हर चीज बंद हो जाती है। जोर चलता है तो इन गरीबों पे, जोर चलता है तो इन मजदूरों पे, ना जाओ बंद करो आईपीपीज जो हमें महंगी बिजली देते हैं, जाओ बंद करो आईपीपीज जो बिजली देते भी नहीं है और वायदों के तहत तुम उनको पैसे देते हो, उनको बंद करो, बंद करो अपनी ये अयाशियां, बंद करो ये अपने अलल्ले तलल्ले, बंद करो अपनी ये कैबिनेट की फौज सफर फौज, ये पैसा भी तुम्हारा है, तुम्हारे खून पसीने की कमाई है, खुदा की कसम चैन से नहीं बैठेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे,
आपके हकूक की जंग लड़ेंगे। पैगाम है इमरान खान का, पाकिस्तान के तमाम उन पाकिस्तानियों को जो इमरान खान के साथ हैं, और वो यही है कि हम यूटिलिटी स्टोर के वर्कर्स के साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। मुझे तो ये लगता है ये जो आज आपने ये सिलसिला शुरू किया है, यही इन पस्ताइयों का, इन बेशर्मों का, इन उन लोगों का जो तुम्हारा एहसास नहीं करते हैं। और मैं कहूंगा आप शहबाज शरीफ से, गरीब की आस से डरो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा चेगी मेरा आयाम, वजीर आजम, वजीर आजम। मैं शाही वजीर आजम को बताऊं, शहबाज शरीफ को याद रख लो, मजलूम की आस से बचो, गरीब की बदुआ से बचो। और याद करना, कोई रैप नहीं करता, अपने रब के हुजूर के नाम से लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि जज्बात बहुत सख्त है, आग निकलना चाहिए, जज्बात बहुत सख्त है, आग निकलना चाहिए। और हमारे जो दोस्त यहाँ पख्तून खास से मौजूद हैं, जो सिंध मौजूद है, जो पंजाब से मौजूद है, जो बलोचिस्तान से मौजूद है, करो हाथ उठा, धोखे में तो नहीं आओगे। हम आपके साथ हैं, खाना बसाना है, और इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। आपकी दुआएं, आपका बुलबुला, आपका जज्बा और आपकी ये हिम्मत जो मैं देख रहा हूँ, इनकी तो आजादी नहीं है, ये तो आपके आप एक हाथ का, वो कहते हैं ना जब का हाथ होता है तो दबा हो रहा है, वो आपका भी है इनके लिए। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, धर्म का पैगाम पहुंच गया, अमानत थी, पहुंच गया कि नहीं आपके पास? हो गया। खान आपके साथ है ना, वो जेल में बैठा आपके साथ है। हम पंजाबी में कहते हैं कि उर्दू लगाने के लिए नहीं भेजा उसने हमें, यह चाहती के लिए भेजा। हाथ उठाए, हाथ उठाए, हमें इंसानों से निजात कराओ। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जो नहीं उठा रहा वो सालिम के साथ है, जो हाथ नहीं उठाएगा वो सालिम के साथ है, और तुम मजलूम और हम तुम्हारे साथ है, सालिम के साथ। अल्लाह और साथ साथ कहो अल्लाह, इंसानों से निजात कराओ। अल्लाह जो हमारे बच्चों का निवाला छीनना चाहते हैं, हमें इंसानों से निजात कराओ। अल्लाह ये पछताई जो है इन्हें इस मुल्क से तबाह कर दे। आमीन। रब्बुल आलमीन ये जो गरीब के दुश्मन है, ये जो हक के साथ खड़े होने वालों के लिए दुश्मन है, इन्हें जल्द अपने मुक्त की अंजाम तक पहुंचा दे। आमीन। ऐ अल्लाह, सालिम का तूने हमेशा रुसवा किया है, और तेरा वादा है कुरान में कि सालिम दुनिया और आखिरत में रुसवा होगा। ऐ अल्लाह, इन्हें इनके जल्दी अंजाम तक पहुंचा दे। आमीन। मेरे दोस्तों के लिए आसानियां पैदा कर, वर्कर्स के लिए आसानियां पैदा कर। अल्लाह बाकी तमाम ये जो इदारे बंद करना चाहते हैं उनके रोजगार में आसानियां पैदा कर। अल्लाह ताला आपके बच्चों के लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह आपको हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता करे। अल्लाह आपको इमरान खान के साथ खड़े होने, अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान के साथ खड़े होने और तट के अपने हकूक के लिए लड़ने की तौफीक अता करे। मैं जाते जाते दो नारे लगाता हूँ, और जब इतने मजलूमों की दुआ जाए तो मेरा रब, उसने वादा किया है कि मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, ये दुआ कबूल होगी और ये यहाँ से फारिग हो जाएंगे। तो हाथ खड़े कर लो, लड़ोगे सालों के खिलाफ के नहीं। आवाज ऐसी आए कि उस चाली का घर वहां पे है, वजीर आजम का उसको आवाज पहुंचे, कहो इन सालों के खिलाफ डटके खड़े होगे कि नहीं। किसी ऐसे वादे का हिस्सा ना बनना जिसमें ये तुम्हें बेवकूफ बना ले। हेलो, छोड़ सो या नहीं छोड़ने हो, मेहरबानी होती है, मैं कम कर लूँ। मिल गया जी, मिल गया, साथ दे वो भी, साथ दे वो भी, तुम्हारे बच्चों का साथ दे वो भी,
हाथों से दोबारा खींचे वो भी सारे मांगे कौन है ऊंचा करो सारे मांगे सारे सारे ये सारे सारे ये सारे सारे ये सारे सारे ये चाली ये कोमल ये यूटिलिटी स्टोर बंद करने वाले ये तुम्हारे दुश्मन इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा रब की साथ तुम्हारे साथ है तरीके साथ तुम्हारे साथ है इमरान खान तुम्हारे साथ है और पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया जो हमसे रिकवर ना हो सके
लेकिन ये हमें हमारी शराफत, हमारी पाकिस्तानियत होने का जो हमारी बर्दाश्त है, ये उसका इम्तिहान ले रहे हैं। कोई बात नहीं, शाम तक आपको पता चल जाएगा कि ये सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इनके पास हली कोई नहीं है। जो अपनी आवाम, जो आवाज के लिए बाहर निकले, उसे कहते हैं ये दहशतगर्द है। पीटीआई दहशतगर्द है, स्टूडेंट तहरीक दहशत कर दे, ताजर दहशत कर दे, पूरा पाकिस्तान दहशत कर दे, और ये मामे जो वहां पर बैठे हैं ये मोहब्बे वतन है। ये दहशतगर्दी नहीं है, ये आप ताकत के जोर पर असेंबली करा रहे हैं, आप ताकत के जोर पर आवाम को ऊपर फूल डाल रहे हैं, आप ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। फिरौन ने भी बड़ी दुश्मनी मिशन थी, नेचुरल थे, यजीद ने भी लियासा चौंकिया और गिने रह कौन गया था इमाम हुसैन तगड़े रहना, ताकि कसम आप लोग अपनी औलादों के लिए पाकिस्तान के लिए चलते हो, अपना हक लिए बगैर यहां से नहीं उठना। मैं आप लोगों को यकीन दहानी कराता हूं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आपकी आवाज बन के उभरेगी। इंशाल्लाह ताला हम साबित करेंगे कि हम अपनी आवाम के साथ हैं, हम साबित करेंगे हम मजदूर के साथ हैं, हम साबित करेंगे हम सनअतकार के साथ हैं, हम साबित करेंगे हम किसान के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की जदोजहद, अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तकामत दे, हिम्मत दे, कामयाबी दे। आप लोग यहाँ से अपने बच्चों का नफा नुकसान जो है वो यहाँ से लेकर जाए, मेरे साथ आवाज लगानी है। कौन बचाएगा पाकिस्तान?